नमस्कार, मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का KTI में स्वागत है। कैसे हैं बच्चे? बेसिक मैथ्स में लेक्चर नंबर 2। अभी मैं बताऊंगा कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब से रिलेटेड बेसिक बताया था, अब उसी के आगे का पार्ट। ठीक है, चलिए बच्चे एक बात जरा सुनो। अब है कि फार्मूला, मैं सबसे पहले फार्मूला लिखूं और उसके बाद ज़रा देखिएगा जी बच्चे। फार्मूला मेन है, फार्मूला जो बेसिक मैथ चाहिए CA फाउंडेशन के लिए, वो सारी बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो बच्चे एक फार्मूला यह है कि a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे और दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे। ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी, दोनों ये दोनों में यही रहेगा, दोनों केस में यही लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगा। राइट साइड में ज़रा देखिएगा जी, अगर यहाँ पर प्लस की साइन है तो माइनस टू ए बी लिखोगे, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस टू ए बी लिखोगे। बस यही फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे देखोगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 3, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अब हमें देखना ये है कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें क्वेश्चन में a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी तो फार्मूला नंबर 1 में यूज, इसलिए हम फार्मूला नंबर 1 का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे? फार्मूला नंबर 1। तो चलिए जरा यहाँ पर हम लोग फार्मूला नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस प्लस टू ए बी की माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी ए माइनस टू ए बी ये फार्मूला लगाओगे। अब a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल टू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19, तो आंसर हो गया 19। ठीक है, चलिए जरा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। अब चलो जरा दूसरे एग्जांपल में क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो कुछ गिवन है उसी के बेसिस पर काम करना है। तो देखो ना, a माइनस बी दिया हुआ है, तो a माइनस बी तो हमारे वाले में ये फार्मूला नंबर 2 में है, a माइनस बी ये तो फार्मूला नंबर 2 में है, तो हम 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए जरा एक बात जरा सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब माइनस की साइन हो तो यहाँ पर प्लस टू ए बी लिखते हैं। ठीक, चलिए जरा एक बात बताइए, a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 10 होल स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू कितना है? 5, तो ये आ गया 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ठीक है ना जी, मैंने दो एग्जांपल बता दिया। अब नई फार्मूला में जरा आ जाओ जी, फार्मूला नंबर नेक्स्ट थर्ड में जरा देखिएगा बच्चे, एक मिनट शांत रहिए बच्चे। थर्ड फार्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो जरा देखिए। अच्छा, एक बात जरा बताइए मुझे कि a प्लस यहां पर 4 ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, या सिंपली ए बी इक्वल टू क्या होगा? कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, क्या करेंगे? तो आप जरा इसी फॉर्मूला से बनता है ये, जरा देखोगे ए प्लस बी होल स्क्वायर
माइनस 2ab इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा एक बात जरा बताओ, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab यह भी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला है। अब फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो तो इसको जब माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा जी, हमारे पास बचेंगे ये 2ab और ये 2ab दोनों प्लस हो गया तो 4ab। अब जरा एक बात बताओ, ए है माइनस, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस हो गया और ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस हो गया इक्वल टू 0, यही वैल्यू हो गया ना। अब क्या करो, इस दोनों को राइट साइड में भेज दो तो 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस 4 से डिवाइड करिए तो ab इज इक्वल टू यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब इसी को एज ए फॉर्मूला यूज करते हैं ऐसे कि ab इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये 4 जो है वह इसके अपॉन में भी है तो अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दे, और यह 4 क्या है इसके भी अपॉन में है तो माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया बच्चे, ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। और इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जब कभी जरूरत पड़े तो, बट CA फाउंडेशन के लिए शायद ही इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, CA फाउंडेशन में शायद ही इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ लेकिन मैंने बता दिया, जब बेसिक बता रहा था तो मैंने बता दिया कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या 4ab इज इक्वल टू इतना लिख सकते हो, 4ab इज इक्वल टू इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, ये है फार्मूला नंबर आपका हो गया 3, फार्मूला नंबर 3, 4 नंबर फार्मूला पर आ जाओ। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, ए प्लस बी होल क्यूब और फार्मूला नंबर 5 में ए माइनस बी होल क्यूब फार्मूला लिखना है, कैसे लिखेंगे वो जरा देखिएगा जी। यहां पर पावर है बेटा 3, तो हमारे 4 टर्म बनेंगे, कैसे लिखेंगे याद रखने की कलाकारी देखिए बच्चे, यही ए बी 4 बार लिखिए, ए बी ए बी ए बी 4 बार हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया ना। अब चलिए जरा एक बात बताइए, ये पावर 3 है तो फर्स्ट वाले पर से पावर 3 से स्टार्ट होगा, तो देखिएगा यहाँ 3 फिर यहाँ 2 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 0। अब उल्टे डायरेक्शन में पावर 3 होगा, यहाँ पर 3 बी वाला में सेकंड टर्म में, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0, इतना हो गया। अब फर्स्ट को और लास्ट को छोड़ दीजिए, ये जो 3 है ना, ये 3 इसका मल्टीपल बनेगा इसका भी और इसका भी, ठीक। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, जब ये प्लस की साइन है तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, आपको साइन डालना है, प्लस की साइन अगर है तो बच्चे सारे के सारे टर्म, ये भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही रहेंगे, ये तीनों का तीनों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये तीनों का तीनों पॉजिटिव ही रहेंगे बच्चे, यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव। पॉजिटिव रखने के पीछे कारण क्या है वो बच्चे जरा देख लो, ये प्लस है बच्चे और प्लस पे पावर 3 दोगे तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर ये है और यह है तो यह प्लस है तो प्लस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, ये भी पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस हो गया। अब चलिए जरा एक बात देखिएगा, यह पॉजिटिव है और सेकंड पार्ट बी है वो भी पॉजिटिव ही है, तो
तो पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, इसलिए यहाँ भी प्लस पड़ा। और इसी तरह से सेकेंड टर्म बी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पे पावर थ्री देंगे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, इसलिए सभी टर्म इसके प्लस होंगे। यही सेम कहानी जरा यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर जरा देखोगे ए बी, ठीक है, मैं लिखता हूँ ए बी, ए बी चार बार लिखेंगे, लिख दिया। कभी भी अगर भूल जाते हैं तब, ऐसे इस फॉर्मेट में नहीं याद रखना है, दूसरे तरह से याद रखना है, लेकिन कभी भी अगर भूल जाते हैं तब आप कैसे याद रखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर थ्री पावर, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ जीरो। अब उल्टी डायरेक्शन में थ्री शुरू कीजिए, सेकेंड टर्म पर थ्री टू वन जीरो, क्लियर। बीच के दोनों टर्म का मल्टीपल थ्री बनेंगे, यह भी थ्री। अब डालना है साइन, तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे पावर पॉजिटिव थ्री दोगे तो ये प्लस रहेगा, बी पे पावर जीरो तो वन हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ये प्लस पे पावर दो दोगे तो ये प्लस हुआ, अब बी तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होगा, माइनस। अब यहाँ पर आइए, ए ए पॉजिटिव है बच्चे, अब बी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का स्क्वायर करोगे, तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू, इसलिए यहाँ पर प्लस। अब बी के बारे में, ए पे पावर जीरो तो वन हो जाता है, बी बेटा ये नेगेटिव है, नेगेटिव पे पावर अगर थ्री दोगे तो नेगेटिव ही होगा ना, ए नेगेटिव। तो बच्चे ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। अब इसी को हम लोग काम को कैसे याद रखेंगे, बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे याद रखेंगे बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर जब प्लस की साइन है तो ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए लास्ट वाला कुछ नहीं, तो यहां पर जरा देखिएगा जी, यहां बी पे पावर जीरो इक्वल टू क्या आएगा, वन। तो चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, यहां पर ए क्यूब और सबसे लास्ट में, तो ए क्यूब फिर उसके बाद प्लस थ्री, यहाँ पर पावर तीन है तो आप पावर दो दे दो, फिर प्लस थ्री पावर वन दे दो, लास्ट में कुछ भी मत लिखो। अब बी से शुरू करो, यहाँ पर बी पे पावर थ्री, फिर बी का स्क्वायर, यहाँ बी, यहाँ पर कुछ मत लिखो, और ये हमारे फार्मूले बन गए, यह हमारे फार्मूले बन गए बच्चे। तो याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं याद रहेगा, चलिए ज़रा बताइएगा जी, एक बार फिर लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूं, आप जरा देखिएगा जी, यहां पर क्या है, a प्लस बी होल क्यूब है, तो a क्यूब, ठीक है, उसके बाद 3 a स्क्वायर, फिर उसके बाद भी 3 a का पावर 1, लास्ट में आएगा a का पावर 0। अब शुरुआत करना है इधर से, इधर से b क्यूब, फिर 3 b स्क्वायर, फिर 3 b का पावर 1, यहां पर b का पावर 0 नहीं होगा, ये प्लस की साइन है। तो बेटा एक बात सुनो, सारे टर्म पॉजिटिव, या भी पॉजिटिव, सेकेंड टर्म भी पॉजिटिव, थर्ड टर्म भी पॉजिटिव, फोर्थ टर्म भी पॉजिटिव, यही सेम कहानी जरा यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ ए क्यूब, फिर यहाँ पर 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए, अब राइट साइड से चलोगे तो बी क्यूब, फिर यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ बी का पावर 1, यहाँ बी नहीं। अब जरा देखिएगा, जब माइनस की साइन हो ना, तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, लास्ट नेगेटिव, हो गया फार्मूला तैयार। इसी फार्मूला से बाकी सब फार्मूला बन जाते हैं, इसी फार्मूला से बाकी सारे फार्मूला बन जाते हैं। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, मैं ऊपर वाले फार्मूला को लिख देता हूँ, यही सब सेम फार्मूला लिखा जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट को लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और मिडिल टू में 3ab कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी, और यही किताब में लिखा हुआ आपको फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जरा देखिए, जब माइनस की साइन है तो फर्स्ट पॉजिटिव, लास्ट नेगेटिव, ये कर दिया। अब इस दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, 3ab कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये हमारा फार्मूला है बच्चे,
पांचवा नंबर फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी, ये फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलो एक बात जरा सुनोगे, एग्जाम्पल जरा देखिएगा जी, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, जैसे x माइनस टू होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? तो बच्चे x क्यूब फिर 3x का पावर 2 फिर 3x का पावर 1 लास्ट में छोड़ दीजिए। यहाँ पर माइनस है तो बेटा 2 से शुरू करेंगे, 2 का पावर 3, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ 2, यहाँ फर्स्ट में कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर माइनस की साइन है तो फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड निगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, लास्ट निगेटिव, हो गया जी, हमारा काम हो गया। एक्स क्यूब 3 × 2 = 6, एक्स स्क्वायर 3 × 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 3 = 12 एक्स माइनस 8, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया जी आपका आंसर। इसी तरह का और एग्जांपल लेना है ले लीजिए, जैसे है 2x प्लस यहाँ पर हो गया 5 होल स्क्वायर होल क्यूब। अब यहाँ हमें इस काम को करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, फर्स्ट के पावर, फर्स्ट का पावर 3, फिर यहाँ लिखोगे 3, फर्स्ट का पावर अब कम कर दो 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 3, फिर फर्स्ट का पावर 1 कर दिए, 1 हो गया, लास्ट छोड़ देंगे। अब उल्टा डायरेक्शन में चलोगे, 5 का पावर 3, फिर उसके बाद 5 का पावर 2, फिर 5 का पावर 1, हो गया, फर्स्ट के साथ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव है बच्चे, तो सभी के सभी टर्म पॉजिटिव होंगे, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, यह भी पॉजिटिव, ये सभी के सभी पॉजिटिव होंगे। तो बताइए 2 पे पावर 3 = 8, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। यहाँ पर जरा देखिए प्लस, जरा देखो 3 × 5 = 15, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब चलिए जरा बताइए 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 = 50, 50 × 3 = 150, एक्स पर पावर एक्स है तो एक्स हो गया, यहाँ एक्स का पावर 1 प्लस 5 का पावर 3 125, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब का काम करेंगे, क्लियर। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे, हम लोगों को काम करना पड़ता है, कैसे कैसे क्या करेंगे, सुनिए जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी। नेक्स्ट फार्मूला के रूप में इसी फार्मूला को जरा हम लिखेंगे, इसी फार्मूला को जरा लिखेंगे, दोबारा हम लिखेंगे इसी फार्मूला को, फार्मूला नंबर 5 था, फार्मूला नंबर 6, इसी फार्मूला को लिखेंगे। जरा देखिएगा जी, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ज़रूरत पड़ती है, या कभी हमें ज़रूरत पड़ती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ठीक है। जब बीच में प्लस की साइन हो तो समझ जाओ कि a प्लस बी पर पावर 3 देना है, यहाँ पर माइनस की साइन हो तो a माइनस बी पे पावर 3 देना है। अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, 3ab यहाँ a और b इसमें भी लिखेंगे, 3ab यहाँ a और b दोनों इसमें भी लिखेंगे, ये दोनों में लिखेंगे a b और इसमें भी ab ये लिखेंगे। बच्चे एक बात जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ बच्चे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या साइन होगा जरा देखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस की साइन पड़ेगा, बस कुछ नहीं, ऊपर का फार्मूला को ही उल्टा किए, देखिएगा ये देखिएगा ये देखिएगा, ये वाला फार्मूला था ना, ये वाला फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था। आप इस वाले पार्ट को इसके लेफ्ट साइड में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और राइट साइड में आपका यही बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जी, इस वाले फार्मूला में यह हमारा आपका है पार्ट, अब इस पार्ट को जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, राइट साइड में ए क्यू माइनस बी क्यू बचेगा। तो यहाँ पर जरा देखिएगा जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू इतना हो गया, समझ में आ गया। अच्छा एक मिनट शांत रहिए बच्चे, एक मिनट शांत रहिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्लियर।
क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा दिया होता है, इसी में जरा देखिएगा जी, इसी में जरा देखिएगा कि हम लोग और इस फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, वो और बनता है, लिखेंगे बाद में। एग्जांपल जरा देखिएगा जी, जैसे इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव एंड ए बी इज इक्वल टू टू, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताना है, इतना इक्वल टू क्या होगा। हमें इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा अगर सी ए फाउंडेशन में पड़ती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पड़ती है, इस फार्मूला की, इस सभी फार्मूला की ज़रूरत। अगर ये सब नहीं जानेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुश्किल आनी है, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है। तो चलो एक बात ज़रा सुनो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने लिखा, तो यहाँ पर देखिएगा ये प्लस है तो फार्मूला में ए प्लस बी होल क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3ab, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी ए प्लस बी ही लिखेंगे। अब यहाँ साइन क्या देंगे, प्लस है तो माइनस। अब चलिए जरा ए प्लस बी की वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का पावर 3 माइनस 3, ए बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है और ए प्लस बी इक्वल टू 5 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करिए, 5 का पावर 3 इक्वल टू 125, 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, 30 माइनस कर दोगे तो 95, तो आंसर विल बी 95, आंसर विल बी 95। एग्जांपल जरा देखिएगा जी, और इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 5, देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हाउ मच। आपसे ऐसे सवाल पूछ दे तब क्या करेंगे, आपसे रूट्स दिया होता है, जैसे दो रूट्स का डिफरेंस और दो रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तब आपसे पूछे कि रूट्स मतलब है डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स इक्वल टू हाउ मच, तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अब नहीं प्रॉब्लम में फंसेंगे। चलिए जरा एक बात बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी होल क्यूब लिखेंगे, यहाँ 3ab लिखना ही है, a और b, यहाँ पर माइनस की साइन तो यहाँ भी माइनस की साइन, इसके ऊपर बताया था यहाँ पर प्लस की साइन तो यहाँ भी प्लस की साइन, जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस की साइन डालेंगे, यहाँ पर माइनस है बेटे, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर प्लस की साइन डालेंगे। अब जो भी वैल्यूज़ है वो पुट कर दो, a माइनस बी इक्वल टू 10, तो 10 का पावर 3 प्लस 3, ए बी इज इक्वल टू कितना है 5, और a माइनस बी इज इक्वल टू है 10। सिंप्लीफाई कर दीजिए जी, ये हो गया आपका 1000 प्लस कितना होगा जी 150 इज इक्वल टू 1150, तो आंसर इज 1150, आंसर इज 1150, क्लियर, तो आंसर इज 1150। इसी से रिलेटेड एक फार्मूला और लेते हैं और उस फार्मूला को जरा देखिएगा जी, एक फार्मूला और लेते हैं। चलो फार्मूला नंबर आपका हो गया 8, फार्मूला नंबर 8, ठीक है, फार्मूला नंबर 8 पर आ जाइए, जरा देखिएगा जी, हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए जरा एक बात सुनिए यहाँ पर, और फार्मूला नंबर है 9, फार्मूला नंबर 9, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो बच्चे इस फार्मूला के भी, इस फॉर्मेट में भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, क्या है बच्चे एक बाजरा सुनिए, अगर यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ भी a प्लस बी ही लिखेंगे, यहाँ a माइनस बी है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस है तो यहाँ भी माइनस की साइन देंगे। इसका जो मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा दोनों में, इस दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी भले ही माइनस क्यों नहीं हो, इस दोनों में प्लस की ही साइन देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा अगर यहाँ प्लस की साइन है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे ए बी, अगर यहाँ पर माइनस की साइन है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए बी, और ये हो गया आपका फार्मूला, ठीक है, ये हो गया आपको फार्मूला। तो बच्चे एक बाजरा सुनो, आपको क्वेश्चन में दे देगा तीन तीन पॉइंट दे देगा और तब आपको जवाब देना है, यह दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया, ए बी की वैल्यू दे दिया, और तब आपको ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। इस तरह का एग्जांपल आप जरा एक दो लिखिए, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17, 17, 17 ना लिखते हैं 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 3. फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला वैल्यू निकाल कर बताना है. तब आप कैसे करेंगे? तो बच्चे एक बात जरा सुनो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको काम करना है. जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के बेसिस पर काम करना है. यहां में ए प्लस बी दिया हुआ है बच्चे, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी दिया हुआ है. तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सूटेबल होगा वो आपको देखना है. तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ये माइनस फार्मूला, यहाँ प्लस है तो माइनस. ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 और ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 3. तो कितना आएगा? 28. तो आंसर इज 28, आंसर इज 28. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसी तरह से इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 7, ए माइनस बी इज इक्वल टू 7, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, 65 एंड ए बी इज इक्वल टू एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू 8. फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू निकाल कर बताना है. चलिए जरा एक बात बताइए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगाओगे? तो सेकेंड लास्ट वाला फार्मूला. तो यहाँ ए माइनस बी यहाँ पर लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर माइनस है तो प्लस ए बी. ए माइनस बी आपको 7 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 65, ए बी इक्वल टू 8, इतना दिया हुआ है. अब उसके बाद क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 7 इंटू 8 5, ये 73 हो जाएगा. 73 को जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 7 से, तो कितना आएगा? 511. तो आंसर आ गया 511. ठीक है, तो आंसर इज 511. ठीक है जी, तो आंसर इज 511. बेटे ए क्यूब बी क्यूब इससे रिलेटेड जो भी सवाल था वो मैंने आपको बता दिया जी. ठीक है, अभी बेसिक क्लास में बच्चे एक बात जरा ध्यान से देखिएगा. बेसिक क्लास में अभी भी है और वो अगले बेसिक क्लास में मैं फिर बताऊंगा. और वह बेसिक क्लास में होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू क्या होगा. उससे रिलेटेड हम अगली वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर आप देखिएगा कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है. ठीक है जी, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. और इतना का फायदा उठाइए, बच्चे बहुत फायदा करेगा. आप बस इसका प्रैक्टिस करिए. एक बार में आपने देख लिया, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चार बार देखिए. एक न एक समय आएगा कि आपको इस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इसकी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगी, इसका यूज आने लगेगा और फिर आपको जहाँ प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. ठीक है, चले जी, अब बस यहीं के लिए बाय बाय. हमारे बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ठीक है जी, बेल आइकन भी बजा देना. थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, जय हिंद.